क्या आप शुएब अख्तर के निकनेम से वाकिफ हैं? फायरिंग बुलेट्स ने कितने बैटर्स को जख्मी किया? एक्शन पर स्टडी भी हुई? तफसीलात आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। शुएब अख्तर को प्यार से शो भी कहा जाता है। अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग की वजह से रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी मारूफ हैं। जबकि मुखालिफ टीमों के बल्लेबाजों ने उन्हें फायरिंग बुलेट्स का लकब दिया, क्योंकि उनकी तरफ से फेंकी जाने वाली गेंद बंदूक की गोली की रफ्तार से बैट्समैन की जानिब आती थी। शुएब अख्तर ने पहला टेस्ट मैच 1997 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जबकि एक रोजा मैच 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला। 2006 में बर्तानिया के खिलाफ पहले T20 मैच में हिस्सा लिया। उनका शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर्स में किया जाता है। उनके खौफनाक बाउंसर्स और तेज रफ्तार गेंदों से बैट्समैन खौफजदा रहते थे और उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो शुएब की बॉलिंग के दौरान बैटिंग एंड पर ना हो। जिस दौर में वो दुनिया के माया नाज बल्लेबाजों के लिए डरावना ख्वाब बने हुए थे, उसी जमाने में उन्होंने तेज रफ्तार गेंद कराने के मुतअद्दिद आलमी रिकॉर्ड कायम किए, जिनमें से कई अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। वो क्रिकेट की तारीख के ऐसे बॉलर थे जिन्होंने मुतअद्दिद मरतबा 100 मील फी घंटा से जायद की रफ्तार से बॉलिंग कराने के रिकॉर्ड कायम किए। शुएब ने क्रिकेट करियर के 13 बरसों के दौरान दुनिया की मुख्तलिफ टीमों के 19 बैट्समैनों को अपनी तेज रफ्तार गेंदों से जख्मी किया। उन्होंने इब्तिदा ही से खुद को एक जारे मिजाज फास्ट बॉलर की हैसियत से मनवाया। पाकिस्तान की जानिब से खेले जाने वाले बेशुमार मैचेस ऐसे हैं जिनमें से ज्यादातर की जीत में उनकी बॉलिंग का किरदार था। शुएब की मकबूलियत का आगाज 1999 में शारजा की प्री वर्ल्ड कप सीरीज में भारत के खिलाफ उनकी शानदार कारकर्दगी से हुआ। उसी साल उन्होंने कोलकाता में खेली जाने वाली एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के मैच की एक इनिंग्स में 8 भारतीय बैट्समैनों को आउट किया। 2003 के आलमी कप के दौरान उन्होंने क्रिकेट की तारीख की बर्क रफ्तार बॉलिंग का मुजाहिरा किया और बर्तानिया के खिलाफ मैचों के दौरान एक गेंद 161.3 किलोमीटर की फी घंटे की रफ्तार से कराई। जनूबी अफ्रीका की टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर आई तो उस जमाने में शुएब अख्तर के मोहलिक बाउंसर्स का शोहरा था। एक मैच के दौरान प्रोटीज बैट्समैन गैरी क्रिस्टन बैटिंग कर रहे थे। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने गेंद कराते हुए एक सुपर फास्ट बाउंसर उनकी तरफ फेंका जो उनके चेहरे पर जा लगा। क्रिस्टन जमीन पर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनके चेहरे पर 10 टांके लगे। गेंद लगने से उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी, जबकि आंख को भी नुकसान पहुंचा था। 2004 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुनक्किद हुआ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ बॉलिंग के दौरान वेस्ट इंडीज के रिकॉर्ड साज बल्लेबाज ब्रायन लारा बैटिंग कर रहे थे। शुएब अख्तर की बॉलिंग के दौरान एक तेज गेंद उनकी गर्दन पर लगी, जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। शुएब अख्तर की बॉलिंग एक्शन पर भी एतराजात हुए। इस सिलसिले का सबसे पहला तनाजा ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त शुरू हुआ जब एम्पायर डैरल हेयर और पीटर वैली ने उनकी गेंद कराने के अंदाज पर एतराज किया, लेकिन बाद में उनके एक्शन को क्लियर कर दिया गया। 2001 में एम्पायर स्टीवन डन और डग कोई ने शुएब अख्तर की बॉलिंग एक्शन पर दोबारा एतराज किया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उनके एक्शन पर स्टडी करने के बाद उनके बाजू में खम की वजह से एक्शन को दुरुस्त करार दे दिया गया। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।